नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन में लगे हुए गुलदाउदी के पौधे दिखा रहा हूँ। जहाँ तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे सूखने लगते हैं, आप इन पौधों को देख सकते हैं। इनकी नई नई ग्रोथ हो रही है और इनका एक भी पत्ता नहीं सूखा है। इन पौधों की आप ग्रीनरी देखिए, कितने नए नए और ताज़ा पत्ते इनमें निकल रहे हैं। मैंने इन पौधों को ऐसी लोकेशन में लगा रखा है जहाँ पूरे दिन भर की सनलाइट इन पौधों को मिलती रहती है, मगर फिर भी देखिए ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और गर्मी का इन पौधों पर बिल्कुल भी असर नहीं है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गुलदाउदी के इन पौधों की कैसे केयर की है। आपने भी यदि ये पौधे लगा रखे हैं और गर्मी से ये पौधे सूख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान में रख लोगे तो आपके कोई भी गुलदाउदी के पौधे नहीं सूखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गुलदाउदी के पौधों को गर्मी के सीजन में भी किस प्रकार हरा भरा और हेल्दी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो पौधे गमले में लगे हुए होते हैं, वे पौधे गर्मी में नहीं बच पाते हैं, उनकी हमें अधिक देखभाल करनी पड़ती है। मैंने ये सभी पौधे नीचे ज़मीन में लगा रखे हैं और एक साथ कई पौधे हो गए हैं। इस प्रकार ये गर्मी से बचे रहते हैं। एक साथ पौधे रहते हैं तो इनके आसपास नमी बनी रहती है, इस वजह से ये पौधे गर्मी से बच गए हैं और इसमें अभी भी नई नई ग्रोथ हो रही है। अच्छी ग्रोथ के साथ साथ इस समय इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं आपको इनकी फ्लावरिंग भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फूल इन पौधों में अभी भी खिले हुए हैं। गमले में लगे हुए गुलदाउदी के अपने पौधों को बचाने के लिए आप इनकी मिट्टी को ऊपर से ढक दें। मिट्टी से ढकने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। आप इनके गमले की मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे स्टोन रख दें, या फिर आप इनके ऊपर टर्टल वाइन लगा दें। टर्टल वाइन पूरे गमले में फैल जाती है। इससे होता यह है कि तेज़ धूप और गर्मी में इन पौधों के मिट्टी गर्म नहीं हो पाती है। तेज़ धूप और गर्मी में टर्टल वाइन की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। आप टर्टल वाइन को इनके गमलों की मिट्टी के ऊपर रख दीजिए, अपने आप ये वाइन फैल जाएगी और पूरे गमले को कवर कर लेगी, जिससे ये पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। इनके सभी पौधों को आप ग्रुप में रख दें। एक साथ ग्रुप में यदि आप इनके गमलों को रखोगे तो इनके आसपास नमी बनी रहेगी और ये पौधे गर्मी से बचेंगे। इनके गमलों को आप एक साथ ग्रुप में रख दें ताकि इनके आसपास नमी बनी रहे और गर्मी से ये पौधे बचे रहें। ये देखिए, नीचे ज़मीन में मैंने गुलदाउदी के पौधों को एक साथ लगा रखा है। ये डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी रहते हैं और ये पौधे गर्मी से बचे रहते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड भी मैंने गुलदाउदी के पौधे लगा रखे हैं और इनमें आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इतनी ढेर सारी इनकी नई नई ब्रांचेज कैसे हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सारा पिंचिंग का कमाल है। मैंने इन पौधों में दो बार पिंचिंग कर दी है और पिंचिंग से देखिए कितनी नई नई ब्रांचेज निकल आई हैं। शुरू में जब हम पिंचिंग करते हैं तो उसकी एक ब्रांच की दो या तीन ब्रांचेज बनती हैं। दोबारा जब हम पिंचिंग करते हैं तो इसी प्रकार इनकी ब्रांचेज की संख्या बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अब देखिए इनकी कितनी अधिक ब्रांचेज बन गई हैं। ये पौधे घने बन गए हैं। यदि आपके भी इन पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है और इनकी सिंगल या डबल ब्रांच ही है तो आप इनकी पिंचिंग समय से ज़रूर करें। अक्टूबर के लास्ट में इन पौधों में फ्लावरिंग बड्स निकलना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले मैं इनमें दो बार और पिंचिंग करूँगा। दो बार और पिंचिंग कर देंगे तो इनके पौधे इतने घने बन जाएंगे कि इनकी ब्रांचेज को गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गर्मी के मौसम में इनके पत्तों पर पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक शुरू हो जाता है और कई बार इनके पत्तों पर हरे रंग का कीड़ा लग जाता है जो इनके पत्तों को खाता रहता है। मैं हर रोज़ इनके पत्तों को चेक करता रहता हूँ। अब तक तो इनके पत्तों पर कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इनके डार्क ग्रीन पत्ते बने हुए हैं। हवादार लोकेशन में ऐसी जगह इनको लगा रखा है जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इनको मिलती रहती है। यही कारण है कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है। जब पौधों के ऊपर तेज़ धूप गिरती है तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक नहीं हो पाता है।
गमले में लगी हुई गुलदाउदी को इस समय गर्मी से बचा कर रखने के लिए छुपा कर रखना पड़ता है, और यही कारण है कि इनके ऊपर पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक शुरू हो जाता है। उनको खुली हवा नहीं मिल पाती है। कितनी अच्छी ग्रोथ इन पौधों में हो रही है, और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इनमें कोई भी खाद या फर्टिलाइजर नहीं डाली है। मैंने इनको केवल नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में जब हम पौधों को लगा लेते हैं तो उनमें अधिक खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। शाम के समय 3 से 4 बजे के आसपास इनके पत्ते भी मुरझाने लगते हैं, क्योंकि तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है। इनको गर्मी से बचाने के लिए मैं हर रोज़ शाम के समय इनमें पानी डालता हूँ। रेगुलर वाटरिंग यदि आप इन पौधों में करोगे तो ये पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। आपके गमले में लगे हुए गुलदाउदी के पौधों को गर्मी से बचाने के लिए आप सुबह और शाम इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करें। पानी का छिड़काव करने से पौधों में नई जान आ जाती है। इन पौधों को बचाने के लिए इस समय इनकी रिपोर्टिंग भी ना करें। आप एक जगह इन पौधों को रख दीजिए जहां कम सनलाइट इनको मिलती रहे। बार बार गुलदाउदी के गमलों की लोकेशन को चेंज करोगे तो ये पौधे जल्दी ही सूख जाएंगे। इनके गमले की मिट्टी को ठंडा रखने के लिए इनके ऊपर आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से मिट्टी गर्म नहीं होती है। अब इस समय गर्मी अधिक पड़ रही है। आप इन पौधों में कोई भी खाद या फर्टिलाइजर ना डालें। जब बरसात का सीजन शुरू होगा आप उस समय इन पौधों में खाद डालिए। नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का ही आप इस्तेमाल कीजिए। गुलदाउदी के पौधों में केवल नाइट्रोजन रिच खाद ही डालनी चाहिए। हमें इन पौधों की अच्छी ग्रोथ करानी है। जब इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो अपने आप ही इनमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग बर्ड्स बनेंगे और अधिक से अधिक फूल इन पौधों में खिलेंगे। गमले में लगे हुए गुलदाउदी के पौधे जहां इस समय तेज़ धूप और गर्मी में डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये नीचे ज़मीन में लगे हुए गुलदाउदी के पौधे आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इनमें हो रही है। गुलदाउदी के इन पौधों में फरवरी तक फ्लावरिंग होती है। उसके बाद से ही हमें इन पौधों की अच्छी देखभाल करनी होती है, तभी जाकर इनकी इस प्रकार अच्छी ग्रोथ होती है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि जब फ्लावरिंग रुक जाए तो उसके बाद गुलदाउदी के पौधों की सभी पुरानी ब्रांचेज को नीचे से काट देना चाहिए। ऐसा करने से इनकी नई नई ब्रांचेज निकल कर आएंगी और ये पौधा दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। जब ये नई ब्रांचेज 4 से 5 इंच लंबी हो जाएं तो आप इनकी पहली पिंचिंग करना शुरू कर दें। पहली पिंचिंग जब आप करोगे तो इनकी 1 से 2 या 3 ब्रांचेज बनेंगी। उसके बाद फिर हमें सेकंड पिंचिंग करनी है। बार बार पिंचिंग करके इन पौधों को घना बना लीजिए। अब इस समय तो हमें इनको गर्मी से बचा कर रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके गुलदाउदी के पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और ये पौधे गर्मी से बचे रहेंगे।